जय भीम साथियों, मैं हूं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वस्थकार समाज की आवाज। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्वस्थकार समाज की आवाज में हम ऐसे व्यक्तित्व को आप सब छात्रों से, आप सब से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज में एक नया मुकाम हासिल किया हो और समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में हमारे सबके सामने हो। ऐसे ही आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, उनका नाम है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी PhD रिसर्च स्कॉलर है लंदन में, और लंदन का PhD या बाहर का जो PhD, जो मेरी जानकारी है, वो हमारे यहाँ का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है वो इसके इक्विवेलेंट है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अरविंद कुमार जी जो अपना भावी डॉक्टर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के रूप में काम कर रहे हैं। मैं स्वच्छकार समाज की आवाज की तरफ से अरविंद जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय भीम जी। अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि आपने इतने कीमती समय में हमारे लिए समय निकाला। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि अरविंद जी जिस घर बनाने का काम कर रहे हैं और वहां पर बिल्कुल घर बिखरा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि घर जब बनता है तो कितना काम ताम झाम हो जाता है। ऐसे समय में घर के लिए जो समय निकालना चाहिए, उस समय में से हमने अरविंद जी से थोड़ा सा समय छीन लिया है। और ये भी मैं अपने मित्रों को बता दूं कि बीच में हो सकता है कि आप लोगों को अरविंद जी का चेहरा नजर ना आए, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अरविंद कुमार जी लंदन तक की यात्रा, भारत के एजुकेशन सिस्टम से होते हुए लंदन तक की यात्रा आपने की है। मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे समाज का एक छात्र जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपनी PhD पॉलिटिकल साइंस में कर रहा है, न केवल मैं बल्कि तमाम समाज आप पर गर्व करता है। बहुत बहुत स्वागत अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद, मैं आपसे सीधा कुछ मुद्दों पे बात करना चाह रही हूँ। आपने भारत की यूनिवर्सिटी से होते हुए लंदन तक की यूनिवर्सिटी का सफर जो तय कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए और बाहर लंदन एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए? धन्यवाद डॉक्टर कौशल पवार जी मुझे मौका देने के लिए स्वच्छकार समाज की आवाज चैनल पर। थोड़ा सा जो है इंटरनेट में दिक्कत होने की वजह से पिछले कल मैं जुड़ नहीं पाया आपसे, और पूरा मेरा घर बिखरा हुआ है, कहीं किसी तरीके से मैं बैठ के आज जो है ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो कल जो भी तकनीकी गड़बड़ी आई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सबसे पहले दर्शकों से। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं बारिश का भी माहौल है और बहुत इंटरनेट काम नहीं करता प्रॉपर। जी जी जी, तो हो सकता है बीच में आज भी कुछ दिक्कत आ जाए, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। सो हम सीधा अगर बात करते हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा भी परिचय दे दूं। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से हूं और मेरी स्कूल एजुकेशन जो है 6 से 12वीं तक जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद, जो आजकल अयोध्या हो गया, वहां पर हुई थी। उसके बाद मैं 2 साल इलाहाबाद रहा, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया था, BA ऑनर्स अरबिक लैंग्वेज में, और फिर वहीं से MA पॉलिटिकल साइंस में और MPhil पॉलिटिकल स्टडीज में किया था। 1 साल PhD के लिए भी इनरोल हुआ था मैं, बीच में 2 साल मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया अभिता सरस्वती कॉलेज में। उसके बाद जब लार्जली मीन्स बेसिकली जब MA करने के बाद मेरा PhD करने का प्लान बना, तभी वो प्लान इसी के साथ था कि जो है हमें मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी जाके PhD करना है। और उसके पीछे एक बड़ा जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मीन्स रिसर्च को लेकर प्रोफेशनलिज्म है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेशनलिज्म है जो कि हमारे यहाँ मिसिंग है, प्रोफेशनलिज्म कम्प्लीटली मिसिंग है। वो पहले से इस तरह का कल्चर बना दिया गया कि जिसकी वजह से मिसिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ खासकर सोशल साइंस जो डिसिप्लिन है जिस सब्जेक्ट में मैं वर्क करता हूँ, वो डिसिप्लिन एक तरीके से मर्ज कर गई है। हमारे यहाँ जो कुछ भी बात होती है वो हिस्ट्री पर बात होती है। आप मीन्स बात करेंगे किसी स्टूडेंट से तो पता नहीं चलेगा हिस्ट्री का स्टूडेंट है या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है या सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है। तो ये एक बड़ा जो है बड़ी प्रॉब्लम यहाँ अपने यहाँ सोशल साइंसेज में रही है कि जैसे आप देखेंगे अगर सो
मीन्स इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें गांधी, अंबेडकर, टैगोर, नेहरू, इस चीज़ को इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन कहा जाता है। ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसको पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता या सोशियोलॉजी में उस पर फोकस नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ जो है पूरा सोशल साइंस ही इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पर चल रहा है। तो उसमें होता क्या है कि लार्जर बात ये होती है कि जो सोसाइटी की प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं या जो अपकमिंग जो जिन प्रॉब्लम से सोसाइटी फर्दर आगे जूझ रही होगी, वो पूरी तरीके से मिसिंग है हमारी यूनिवर्सिटीज में और यहाँ के यूनिवर्सिटीज में, खासकर जो है जो ये तीन चार सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेज के जो कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये जो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में कोर सोशल साइंस के सब्जेक्ट माने जाते हैं, बाकी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट माने जाते हैं। सो इन सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पॉलिसी ओरिएंटेड है। मैं इनइक्वलिटी पर काम करता था, वोटिंग बिहेवियर पर वर्क कर मेरा इंटरेस्ट था, इनइक्वलिटी मैंने एमफिल किया है राइजिंग इनइक्वलिटी पर। सो वो चीज़ें जो है यहाँ उस तरह का वर्क नहीं था बेसिकली, इस वजह से मेरा प्लान जो है फर्दर फॉरेन जाने का हुआ। सो दो चीज़ें थी, एक जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट प्रोफेशनलिज्म जो कि वहाँ पर है, और दूसरा जो सोशल साइंस की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन है। मीन्स जैसे एक नॉर्मल ऑन एवरेज स्टूडेंट को 2-3 सॉफ्टवेयर सिखा दिए जाते हैं कि आपको SPSS आएगा, स्टेटा आएगा, R आएगा, NVVO सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ये हमारे यहाँ सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को अगर आप पूछेंगे तो ऑन एवरेज स्टूडेंट मीन्स 75% स्टूडेंट को पता ही नहीं कि स्टेटा नाम की कौन सी चिड़िया होती है। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम है और इस वजह से जो है स्लाइटली लोगों को मूव करने की ज़रूरत है, बाहर एवेन्यूज जो हैं उन एवेन्यूज को अवेल करने की ज़रूरत है, खासकर जो स्टूडेंट मार्जिनलाइज तबके से आते हैं उसमें भी जो है नॉर्थ साउथ डिवाइड बिल्कुल बहुत क्लियर दिखता है। साउदर्न स्टेट से जो है मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स तबके के स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में जो है इंट्री किए हैं, और जो नॉर्दर्न स्टेट है जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये उस फील्ड में भी मिसिंग है। मीन्स जो समाज का उच्च तबका है या तथाकथित उच्च तबका है वहाँ से तो लोग हैं, लेकिन तो जो मार्जिनलाइज तबका है वो बहुत पीछे है, और उसको हम लोग थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक साल में जा रहे हैं, लेकिन वो अभी स्पीड को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर मीन्स ये मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है कि जो है आपने इस चैनल पर मुझे बुलाया इस विषय पर बात करने के लिए, नहीं तो लार्जली मुझे लोग जो है पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, इसी पर सभी चैनल के लोग बुलाते हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि ढेर सारे और भी लोग हैं। इन सारी जगहों पर हम लोगों को इन सारे विषयों पर भी बातचीत करने के लिए इन्वाइट किया जाना चाहिए। अरविंद, असल में हमारा मकसद ये भी था कि हमारे जो छात्र हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं या अपना मास्टर कर रहे हैं, वो आपकी बातचीत से सीखें और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और एक रास्ता दिखे। आप एक गाइडेंस की तरह हमारे विद्यार्थियों को एक तरह से संबोधित कर सकते हैं, इसलिए हमने चाहा कि आप सिर्फ इस पर फोकस रखें, अन्यथा तो आपका जितना वर्क है, जितना मैंने आपको JNU में देखा और तमाम, वो सारे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट जो हमारे सामने जो एक है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी नहीं मिल पा। बिल्कुल सही है, आपने ठीक कहा कि साउथ इंडिया से, क्योंकि एजुकेशन का रेशो बहुत ज्यादा है जितना मैं समझती हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वहाँ एजुकेशन रेशो बहुत ज्यादा है, इसलिए साउथ के लोग अपना मास्टर भी न केवल PhD बल्कि अपना मास्टर भी फॉरन से जाके करते हैं। और वो नॉर्थ इंडिया है वो, क्योंकि एजुकेशन का आंकड़ा कम है उसमें, तो उस तरीके की चेतना भी नहीं है। अरविंद, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो बाहर का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या प्रक्रिया है, स्टूडेंट्स को कैसे लेते हैं, हमारे मतलब मैं सीधे आम भाषा में कहूँ तो कैसे एडमिशन मिल सकता है हमारे स्टूडेंट्स आपकी तरह, कुछ और भी जानना चाहे तो उन हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। देखिए मीन्स बाहर के एजुकेशन सिस्टम में दो मॉडल हैं, एक अमेरिकन मॉडल है और एक यूरोपियन मॉडल है।
अमेरिकन मॉडल में एडमिशन थोड़ा सा दूसरे तरीके के से होता है और यूरोपियन मॉडल में एडमिशन दूसरे तरीके से होता है। सो अमेरिकन मॉडल में एडमिशन होता है, एक टेस्ट होता है जिसको जीआरई कहते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। वहाँ पर किसी भी जो है एग्जाम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किसी स्टूडेंट को जीआरई क्वालिफाई करना पड़ता है। उसी जीआरई में जितना अच्छा स्कोर होगा उसी के बेसिस पर एडमिशन होता है और उसी के बेसिस पर वहाँ पर फेलोशिप बंटती है जो जीआरई होता है। दूसरा एक टेस्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेस्ट है, टॉफेल कहते हैं। टॉफेल एक ऐसा टेस्ट है जो ऑल वर्ल्ड वैलिड है माना जाता है और यूरोपियन यूनिवर्सिटी एक उसी के पैरेलल एक दूसरा भी टेस्ट कराती हैं जिसे IELTS कहा जाता है। और भी तमाम टेस्ट हैं इंग्लिश के। तो एक एक लेयर होता है इंग्लिश का टेस्ट का, जो कि वर्ल्ड वाइज किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे एडमिशन लेने तो आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना होगा। तो ये आइडियली लोग टॉफेल देते हैं। अगर जो है स्पेसिफिक लोगों का टारगेट है कि अच्छा हमें यूरोपियन यूनिवर्सिटी में देना है तो IELTS दे सकते हैं या कोई और भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए इन सारी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। उसको कोई कैंडिडेट बाद में भी क्वालिफाई कर सकता है, जब उसको ऑफर लेटर मिल जाएगा तब भी क्वालिफाई कर सकता है। दूसरा चीज जो हमने बताया कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जीआरई नाम से एक टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वो सभी के लिए होता है। किसी भी PhD कोर्स में एडमिशन लीजिए, मास्टर कोर्स में एडमिशन लीजिए, वो एग्जाम देना पड़ेगा। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में जो है जो मास्टर हिस्ट्री में फिर आपको दो तरीके के अरविंद आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। मैं साथियों को बताना चाहूंगी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमारे बहुत से मर्जलाइट सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स जिनके क्योंकि सरकारी स्कूलों के प्रोडक्ट होते हैं और सरकारी स्कूलों के अलावा जो जितने स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं इंग्लिश लैक करती है उनकी, तो ये डर कि अंग्रेजी का में IELTS का टेस्ट हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। जी अरविंद आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक कर दी थी तो इसलिए बीच में मैंने इंटरवेंशन किया था। अरविंद आप वीडियो ऑन कर सकते ऑफ कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा और बोलें। दर्शकों को मैंने पहले ही बता दिया कि आप हमारे साथ थोड़ा सा कष्ट करेंगे। हाँ अरविंद जी अपनी बात पूरी करें। तो जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर जो है मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज एक टेस्ट देना होता। दूसरा जो टेस्ट देना दूसरी चीज जो होती है वो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज बनाना होता है कि जो कोर्स करते कर रहे होते हैं वो एक पेज एक या डेढ़ पेज का होता है जिसमें 1500 वर्ड आइडियली मीन्स एक डेढ़ पेज का होगा। सो उसको बना के और जो भी आपका मीन्स एजुकेशन का मीन्स ग्रेजुएशन के जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट होते हैं उसकी उसका हमें बनवाना होता है ट्रांसक्रिप्ट। सो वो ट्रांसक्रिप्ट के साथ अप्लाई करना होता है। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में अराउंड जो है 60% से अबव मार्क्स मांगते हैं कैंडिडेट्स का, ग्रेजुएशन में या PhD में 62-65% मार्क्स होना चाहिए। ये जो है थोड़ा सा जो स्टूडेंट मतलब अभी से जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं उनको इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि ग्रेजुएशन में अक्सर लोग जो है हमारे यहाँ चूंकि SC ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स फिक्स कर दिया गया है तो स्टूडेंट कहते हैं अच्छा वो अपना मिनिमम बेंचमार्क 55% बना लेते हैं, जबकि मिनिमम बेंचमार्क 60% मार्क्स होना चाहिए। वो जो है वो मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में किसी भी कैंडिडेट को चाहिए होगा। उसके बेसिस पर जो है वहाँ मास्टर्स में फिर मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इसके साथ जो है अप्लाई करना होता है। PhD का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। PhD के प्रोसेस में ये जो चीजें हैं ये चीजें तो लगती हैं, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज नहीं लगता है, उसमें रिसर्च प्रपोजल लगता है। और किसी भी कैंडिडेट का लार्जली PhD में एडमिशन जितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल होता है उसी बेसिस पर होता है, कितना इनोवेटिव है और कितना न्यूनेस आइडिया है, कितनी डेप्थ है उस वर्क में, इस बेसिस पर मीन्स ऑफ एडमिशन ऑफर होता है। तो जो लोग PhD के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी पहला क्राइटेरिया यही है कि कैंडिडेट को 60% से अबव मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में या PG में यहाँ पर।
और अगर नहीं है जिन स्टूडेंट्स का, मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि वो दोबारा से मास्टर्स कर लें किसी सब्जेक्ट में और अपना मार्क जो है ठीक कर लें, वो जो कमी है उसको दुरुस्त कर लें। सो उसके बाद जो है आपको कैंडिडेट्स को जरूरत पड़ती है रिसर्च प्रपोजल की। रिसर्च प्रपोजल थोड़ा सा समय दे के, मीन्स अपने यहाँ लोग कैजुअली कुछ भी लिख के जो है विकिपीडिया से इधर उधर से कॉपी करके लोग दे देते हैं, ये सब नहीं चलता है। मतलब ओरिजिनली लिखा होना चाहिए, जो नए उस पर रिसर्च हुए हैं उसकी रेफरेंसिंग होनी चाहिए, उससे एंगेजमेंट होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। और फिर उस रिसर्च प्रपोजल को और सीवी को जो जो प्रोफेसर उस एरिया में काम करते हैं उनको भेजा जाता है। यहाँ पर एक थोड़ा सा रोल आता है कि जो ऑलरेडी रिसर्च मीन्स जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं वहाँ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई स्टूडेंट जो है यहाँ से मेल करेगा, तो क्योंकि LSE में बैठा हुआ है, लंदन यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ प्रोफेसर पर डे 200 मेल रिसीव कर सकता है, क्योंकि वो दुनिया भर से स्टूडेंट उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक बेहतरीन रोल ये हो जाता है कि अगर कोई वहाँ बैठा होता है तो वो अगर आपके ईमेल को फॉरवर्ड कर देता है तो वो एक उसका वेटेज मिल जाता है। मीन्स प्रोफेसर आपको हो सकता है उस तरह मेल आपको देखे ही ना, इस तरह होता है कि देखेगा, रिप्लाई कर देगा कि हाँ ये कैंडिडेट लिए जाने लायक है या नहीं लिए जाने लायक है। इसमें जो है जो ऑलरेडी जो रिसर्चर है जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनका एक बड़ा मीन्स कंस्ट्रक्टिव रोल हो जाता है। हम लोगों ने बहुत ढेर सारे कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिलाया है और जो है उनका रिकमेंडेशन लेटर फॉरवर्ड किया है रिसर्च प्रपोजल, और कई कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है, मतलब दो का। इसके लिए तो आपको बधाई, आपको क्रेडिट जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से हैं वो और ज्यादा से ज्यादा जाए, प्रेफरेंस मार्जिनलाइज कैंडिडेट को देते हैं। लेकिन तो मैं जो है कोई भी कैंडिडेट जो मुझे अप्रोच करता है मैं राइट पर्सन के पास फॉरवर्ड कर देता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपने किया, बल्कि मैं जानती हूं कि पूरा रिसर्च प्रपोजल पढ़ना, कमेंट देना, फिर उसको फॉरवर्ड करना इतना छोटा काम भी नहीं है। मैं समझ सकती, वो बहुत यहां दिक्कत होती है इंडियन, थोड़ा सा मैं बहुत मतलब टाइम लेके टाइम आपका अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है उसमें एकदम पूरा जी, उसमें थोड़ा दिक्कत भी आती है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी हूँ और जो है मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसर्च प्रपोजल पे लिख देता हूँ कि नहीं ये बेकार है ये नहीं चलेगा, तो लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। आप गलत बता दीजिए कि ये गड़बड़ है, तो लोग अगर क्योंकि अपने यहाँ स्टूडेंट उतना प्रोफेशनली नहीं लेते हैं तो वो जो है नाराज होते हैं कि अरे हमको कैसे कह दिया गड़बड़ हो गया हमारा रिसर्च प्रपोजल। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट कोई भी छोटा मोटा आइडिया लेके लगता है निकलता है तो सेफ लगता है कि नहीं ये तो सबसे नॉवेल और यूनिक आइडिया है दुनिया भर। इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ये जो मीन्स ये जो स्टूडेंट्स का मीन्स मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है इसको भी ब्रॉडर किए जाने की ज़रूरत है जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जब ट्राई कर रहे थे, पूरे एक साल ट्राई किया हमने जो है, जितने सीनियर्स हमारे पढ़ते थे सबको भेज भेज के उनको फ़ोन कर करके रिक्वेस्ट किए कि हाँ इसको एडिट कर दीजिए, चार लाइन वो कोई बता दिया कुछ बता दिया, तो ऐसे ऐसे इंकॉर्पोरेट करते करते वो एक समय बाद स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन वो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है पीएचडी वाली प्रोसेस डिफिकल्ट है, पीजी की प्रोसेस जो मास्टर्स की प्रोसेस है वो डिफिकल्ट नहीं है। वो नंबर ऑफ सीट्स हैं यूनिवर्सिटी में कि 40 सीट है, वहाँ एडमिशन लेना ही लेना है उनको किसी, लेकिन तो वहाँ पीएचडी को लेकर कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि वहाँ पीएचडी का स्टूडेंट नहीं होता, वो मीन्स उसका स्टेटस फैकल्टी के बराबर का होता है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पीएचडी एक जॉब के तौर पर कंसीडर की जाती है, वहाँ स्टूडेंट नहीं माना जाता कैंडिडेट को। सो अरविंद, मैं एक चीज और बीच में आपको टॉक पे बातचीत करना चाह रही थी कि फेलोशिप की क्या पोजीशन रहती है, मतलब कैसे, क्योंकि देखो जो हमारा जो वंचित वर्ग है वो जैसे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन इवन लेना हो, कॉलेज की फीस अलग रहेगी, दूसरे कॉलेज की अलग रहेगी, जेएनयू की अलग फीस स्ट्रक्चर रहेगा, और फीस स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है खासकर गरीब तबके के लिए, जो विद्यार्थी जिनके पास बहुत मतलब रोजी रोटी का ही अपना हो सकता है जुगाड़, ऐसे में फीस भरना और किताबें और तमाम खर्चे, तो जो हमारे जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो सपना मान लीजिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का पालते भी हैं,
तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या, जैसे मान लीजिए जो मास्टर करना चाहता है ग्रेजुएशन के बाद, क्वालिफिकेशन भी उसने कंप्लीट कर ली आपने मेहनत से, परसेंटेज आप कवर कर भी ली, तो क्या, एक तो इसमें मेरा एक सवाल आपसे ये है, दूसरा साथ ही साथ ये भी है कि इंग्लिश से बहुत डर लगता है हमारे, खासकर जो गांव देहात के स्टूडेंट जो होते हैं, उनको उनको उस तरीके का एक माहौल, उस तरीके की उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाती, तो एक ये भी बड़ा एक फियर रहता है, सपना तो होता है बाहर जाएं, लेकिन डर लगता है कि अंग्रेजी में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे टेस्ट पास होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें जानकारी जी, जी। आपने दो मतलब दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं मुझसे, और दोनों ही सवालों से जो है मैं जूझता रहता हूँ, तो मैं दोनों सवाल को पहले सेपरेट कर लेता हूँ। पहला जो है क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो है जब आप कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है और इन सारी चीजों में प्रोसेस में ही काफी पैसा खर्च होता है, और मैं भी जो है ऐसे परिवार से था कि मीन्स अफोर्डेबल चीजें नहीं थी, जैसे मैं अगर ग्रेजुएशन में ट्राई किया होता तब अफोर्डेबल नहीं थी, लेकिन जब मैं पीजी में आ गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया इन सारी जगहों से, तो उससे मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो गया। उस पैसे को मैंने खर्च करके जो है अपने आप को डिफरेंट जगहों पर मीन्स उस अवेल किया कि मान लीजिए IELTS के लिए कोचिंग करना हो तो हमने दो कोचिंग कर लिया, दो एक दो बार एग्जाम दे दिया। तो ये चीजें तभी हो पाती हैं जब आपके पास थोड़ा सा पूंजी इकट्ठा हो। अब हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं कि आप किसी को फोन कर दीजिए वो हमको पैसा भी दे दे तब हम कोचिंग कर लें, इसके बाद हम एडमिशन करवा लें। देखिए वो पॉसिबल नहीं, मीन्स प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। लार्जली मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करता हूँ कि आप जो है अपने आप को फाइनेंशियली आर्गूमेंट कर लीजिए, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर लीजिए। वो फाइनेंशियली मजबूत कोई व्यक्ति एक साल काम करके कर सकता है, फॉरेन में स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि अगर उनको बिल्कुल पता होता कि ये करना है अगले साल इतना पैसा खर्च करना, तो उतना पैसा आदमी कहीं का वर्क करके कमा लेगा 1-1.5 लाख रुपए। तो ये जो है ये एक एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फेलोशिप। सो फेलोशिप देखिए किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन मिलने के बाद जब एडमिशन ऑफर लेटर मिलता है तो यूनिवर्सिटीज के पास अपनी फेलोशिप्स होती हैं, वो फेलोशिप के लिए वो अप्लीकेशन मांगते हैं कि जो है आप अप्लीकेशन दीजिए, जो भी कैंडिडेट को ऑफर लेटर मिला रहेगा फिर उसमें वो सेलेक्ट करते हैं। एक फेलोशिप का तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आउटसाइडर कुछ कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि फेलोशिप देते हैं, जैसे कि जर्मनी में डार्ड नाम से एक संस्था है, यूरोप में ERC नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी फाउंडेशन है, एक इस तरह के भी ऑर्गेनाइजेशन है जो फेलोशिप देते हैं, इवन वर्ल्ड बैंक वगैरह भी शायद कुछ कुछ फेलोशिप देते हैं। तीसरा जो है जो इंडिया में मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप नाम से स्कॉलरशिप देती हैं, तो वो स्टूडेंट आजकल जो है कुछ कुछ उसको अवेल करना शुरू कर दिए हैं। इस गवर्नमेंट में जो है जो मिनिस्टर हैं वो इस चीज को लेकर बहुत सीरियस हैं, मतलब मैं पूरे ईमानदारी के साथ ये कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जो है वो इस चीज को लेकर उन्होंने जो SC ST स्टूडेंट SC स्टूडेंट की खासकर थावरचंद गहलोत जी ने उसको बहुत ही स्ट्रीमलाइन किया है उस प्रोसेस को। वो पहले स्ट्रीमलाइन नहीं थी, पहले 100 फेलोशिप है तो 30 स्टूडेंट को मिल गई, 20 स्टूडेंट को मिल गई, लेकिन तो अभी वो नहीं हो रहा है। 100 स्टूडेंट को अवार्ड कराया जा रहा है, 3-4 बार जो है लिस्ट आती है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में छंट जाते हैं, वो अलग चीज हुआ है, बट मीन्स मिनिस्ट्री की तरफ से वो ये जो है पिछले 4-5 सालों से इसको बहुत स्ट्रीमलाइन किया गया है। तो एक वो फेलोशिप है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स आजकल जो है फेलोशिप लॉन्च कर रही हैं, जैसे झारखंड सरकार ने किया है अभी ट्राइबल स्टूडेंट के लिए कुछ कुछ इंस्टीट्यूट को, फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ये, और अभी उत्तर प्रदेश बिहार हरियाणा और राजस्थान ये इतनी सरकारों ने जो है कोई भी मुझे लगता है छत्तीसगढ़ भी इस बार शुरू कर दे, लेकिन तो इस दिशा में भी थोड़ा सा जो इंटेलेक्चुअल तबका है उनको भी स्टेट गवर्नमेंट से के साथ स्लाइटली जो है
पुश करने की जरूरत है कि हर राज्य सरकारें भी 100-200 स्कॉलरशिप या 50 स्कॉलरशिप जैसी भी जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग दें। बट जो एग्जिस्टिंग है वो इतनी तो एग्जिस्टिंग है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की फेलोशिप एग्जिस्टिंग है, वहाँ भी ERT बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च ट्रेनिंग ऐसे कोई करके संस्थान के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने यहाँ सब स्टूडेंट को। इस वजह से मध्य महाराष्ट्र से जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस वजह से वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं, और इतनी फेलोशिप अभी मेरी नज़र में है जो किसी स्टूडेंट को फेलोशिप मिल जाती है। ये तो एक आपके क्वेश्चन का एक पोर्शन हो गया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा। दूसरा जो है जो एक और भी है कि फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पर कुछ फंडेड PhD पोजीशंस आती हैं, कि जैसे कोई प्रोफेसर है मान लीजिए कि उन्होंने किसी, जैसे आजकल इनइक्वालिटी पर बहुत काम हो रहा है दुनिया भर में या कोविड पर अभी बहुत वर्क होना शुरू हुआ है, सो इसको लेकर कोई वहाँ का संस्थान जो है गवर्नमेंट को फंड देता है और फिर किसी प्रोफेसर को फंड देता है, फिर उन प्रोफेसर को 3-4 स्टूडेंट चाहिए होते हैं जो उस फील्ड में काम करें, तो जो उनके एरिया से मिलता जुलता जिनका वर्क रहेगा उनको वो PhD पोजीशन ऑफर करते हैं, तो वो स्टूडेंट जाएगा उसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और जो काम करेंगे उसके थ्रू उनका 3-4 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराने होते हैं 3 साल में, रिसर्च आर्टिकल के लिए वो रिसर्च आर्टिकल फॉर्म में PhD होती है तो थेसिस फॉर्म में नहीं होती है, 3-4 आप रिसर्च आर्टिकल 3 साल में पब्लिश कराएंगे और जो है फिर फाइनली PhD अवार्ड हो जाती है, उसी को कंपाइल करके एक बुक पब्लिश करा दिया जाता है। सो एक रूट ये भी है, ये रूट भी अक्सर जो है उसी के थ्रू पता चलता है जो कि मीन्स फॉरेन स्कॉलर्स हैं, तो जैसे अब हम लोगों के जो फ्रेंड सर्किल में ढेर सारे प्रोफेसर्स हैं उनका जब उनकी पोजीशंस आती है तो ट्विटर वगैरह पे हम लोगों को पता चलता है, तो उसको हम लोग शेयर करते रहते हैं या रीट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं, तो एक वहाँ से ये मीन्स मैं बल्कि जो स्टूडेंट मार्जिनलाइज है उनको ये भी एडवाइस करूँगा कि ट्विटर जो है जरूर, फेसबुक नहीं ट्विटर पर जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ढेर सारी यूनिवर्सिटीज उनको जो है उनके प्रोफेसर्स को उनको फॉलो करना शुरू करें, और केवल जो है मीन्स अमेरिकन और ब्रिटिश नहीं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को मान लीजिए नॉर्वे स्वीडन जर्मनी इन ढेर सारी जगहों के प्रोफेसर्स को जो है अगर फॉलो करना शुरू करेंगे तो उनके पास जो पोजीशंस आती है वो पोजीशन पता चलेगी कि क्या पोजीशन है और किस एरिया आप इंटरेस्ट का पर्सन चाहिए, तो एक ये तरीका होता है जिससे जो है कोई फेलोशिप अवेल कर सकता है। अरविंद UGC भी कुछ से देती है इंडियन ओवरसीज फेलोशिप कुछ? कौन क्या चीज कर UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है स्टूडेंट को कोई फेलोशिप नहीं देती है, वो टीचर्स को फेलोशिप देती है। अच्छा, टीचर्स को। हां, नेहरू ब्राइट फेलोशिप ऐसे ऐसे कुछ कुछ है, मींस मैंने उसको बहुत नहीं किया, वो स्टूडेंट को नहीं देती, वो टीचर्स को देती। मेरा सवाल अगला था इंग्लिश वाला। हाँ, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जरूर बताएं। जी हाँ, आपने एक क्वेश्चन इंग्लिश का किया था, तो देखिए इंग्लिश जो है मोटा ये है कि मींस अल्टीमेटली जब कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा तो उसको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और उसको लेकर जिन स्टूडेंट्स का मीन्स ये सब वर्कआउट करने की जरूरत है। हम लोग भी पढ़े थे लेकिन तो स्कूल लेवल तक जो है जैसे मीन्स अवधी और भोजपुरी में हमको इंग्लिश भी पढ़ाई गई थी तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, बट वर्कआउट किया हम लोगों ने डेढ़ साल जो भी स्टूडेंट मतलब मीन्स रूरल बैकग्राउंड के हैं उनको अगर वो लोग 1-1.5 साल जो है डिवोट कर दें कि हमको केवल लैंग्वेज इम्प्रूव करना है तो 1-1.5 साल में इम्प्रूव हो जाता है, मीन्स वर्किंग लेवल तक इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जब वो एडमिशन भी देती हैं तो वो अलग अलग मीन्स ये कोई ज़रूरी नहीं एक स्टूडेंट का एडमिशन मीन्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो या ऑक्सफोर्ड में हो या कैम्ब्रिज में हो, कहीं भी हो सकता है, तो उन सारी जो पुश किया जाता है कि आप अपने यहाँ डाइवर्सिटी बढ़ाइए जो है डिफरेंट सेक्शन के स्टूडेंट्स को लीजिए, तो वो भी चाहती हैं कि अलग अलग जो है बैकग्राउंड के स्टूडेंट को लें, तो वो कभी कभी जो है इंग्लिश का वो टेस्ट भी स्कोर भी माफ माफ कर देती हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन तो
कैंडिडेट को आना चाहिए इंग्लिश, मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहूंगा कि यूनिवर्सिटी माफ कर देती है इस वजह से कैंडिडेट को आना ही नहीं चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी जब एडमिशन ऑफर लेटर दे देती हैं तो 2 महीने का ट्रेनिंग भी कराती हैं इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए, एक प्रिपरेटरी कोर्स टाइप का वो भी कुछ कुछ वो कोर्स भी ऑफर करते हैं, बहुत ढेर सारे लोग वो भी जाके करते हैं। तो एक ये रेमेडी है। दूसरी मीन्स जो इम्पोर्टेंट रेमेडी है, किसी भी पर्सन को 1-1.5 साल जो है कॉन्स्टेंटली अगर फोकस होके जो है वर्कआउट करें तो चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, और ढेर सारे कैंडिडेट्स का इंप्रूव हुआ है, मैंने देखा है खुद जो है जिन लोगों ने इस तरह की एडवाइस फॉलो किया। मैं ऐसे भी स्टूडेंट को जानता हूं जो हिंदी भी ठीक से नहीं जानता था, उसको भी इंप्रूव किया है। मुझे लगता है अरविंद जी के यहाँ लाइट चले गई शायद जी। अरविंद जी लाइट चली गई मुझे लगता है शायद तो अरविंद जी लास्ट सवाल के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आप हमारे स्वच्छकर समाज के छात्रों को, हमारे समाज को क्या संदेश अपना देना चाहेंगे? देखिए एक संदेश तो मैं ये देना चाहूंगा कि मेरी जहाँ भी किसी स्टूडेंट को जरूरत लगेगी मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। आप लोग कौशल दीदी के थ्रू मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, और जो है या डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं। तो एक मैं ये अपनी तरफ से आपके चैनल के थ्रू जो है कमिटमेंट देता हूँ कि मैं जो है स्वच्छकार समाज के या जो भी मार्जिनलाइज तबके के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए हमेशा जो है 24 आवर मींस अवेलेबल। हाँ कभी कभी होता है कि एकेडमिक वर्क ज्यादा है और जो है व्यस्तता हो सकती है तो कभी हम रिप्लाई नहीं कर पाते। ये चीजें आप लोग भी देखती हैं कि जो है पिछले 3 दिनों से आप चेज कर रही थी मेरी अपनी समस्याओं की वजह से नहीं ये हमारा। दूसरी चीज ये है कि मीन्स मोटिवेशन हाई रखें, कोई चीज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लोगों को एक बार जो है ट्राई करना शुरू करना चाहिए, सोचना शुरू करना चाहिए इस दिशा में कि नहीं ये भी एक बहुत बेहतरीन जो है दुनिया भर में करियर की अपॉर्चुनिटी है, इन सारी जगहों पर जाना चाहिए। और एक चीज और जो मैं मतलब बताना भूल गया, नॉर्मल जो है जो मार्जिनलाइज तबके के स्टूडेंट हैं जब वो संपर्क मुझको करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो केवल 2 यूनिवर्सिटी के नाम बताते हैं, एक जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और उनसे जब हम लोग पूछते हैं कि क्यों लेना चाहते हैं वो कहते हैं बाबा साहब वही पढ़े थे इसी वजह से हम लेना चाहते हैं। तो लाभ मोटी जहाँ बाबा साहब पढ़े हैं उसी यूनिवर्सिटी में हम लोग ठीक भी है और खराब भी है जो है अगर लोग बिल्कुल जीत पकड़े हुए हैं। पता चला कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 4 फेलोशिप है साउथ एशियन स्टूडेंट के लिए, बर्मिंगम यूनिवर्सिटी में 20 फेलोशिप थी। सो रेशनल डिसीजन ये होता है कि अक्सर कभी कभी होता है कि जैसे यूके में है लंदन से बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ईजी होता है और फेलोशिप भी ईजी होता है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटियों को पुश किया होता है गवर्नमेंट ने कि आप अपने यहाँ से डाइवर्सिटी बढ़ाइए, डिफरेंट जगह के स्टूडेंट को लाइए, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हों। अब जो है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि जो है जब से मीन्स 4-5 स्कॉलर्स जो 6-7 स्कॉलर जो बोलने वाले थे यहाँ इंडिया में हम सूरज एंगड़े और 3-4 जो और ये लोग हैं सब लोग जब से अलग अलग जगह पर फैले हैं तो वहाँ पर जो है कास्ट का इशू और मार्जिनलाइज दलितों का इशू वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से उठा है एकेडमिक डिबेट डिस्कोर्स में। पहले भी उठता था लेकिन तब वो रिसर्च के थ्रू उठता था, अब जो है उस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जाके इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो उससे जो है एक रीथिंकिंग आई है यूनिवर्सिटीज में कि नहीं जो है प्रोफेसर्स में कि नहीं इन तबके से के स्टूडेंट्स को भी लिया जाना चाहिए, जो है अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो वर्ल्ड जो है वो ईगरली वेट कर रहा है इधर से लोगों का, बस ये है कि इस तरफ से भी स्टूडेंट अपने कदम को आगे बढ़ाएं और अगर वो आगे बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नए एवेन्यूज खुलेंगे। जी अरविंद जी, तो आज की चर्चा हम अरविंद जी के साथ यही समाप्त करते हैं। अभी आप भारत में हैं और
जल्द ही आप अपने अपने रिसर्च के लिए लौटेंगे। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि अगर एक बार फिर से आप सबसे रूबरू करवा पाए और अरविंद जी दोबारा फिर से टाइम दे पाए, तो एक दिन और हम चाहेंगे कि कुछ यहाँ के डिफरेंसेस एजुकेशन पॉलिसी का और फॉरेन एजुकेशन का सिस्टम क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग एक दिन आपसे चाहेंगे कि आप समय दें। खासकर जो हमारे छात्र हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं वो लाभान्वित होंगे ज्यादा से ज्यादा अरविंद जी, क्योंकि आज लाइट भी कम है और मैं इस चर्चा का यही समाप्त करना चाहूंगी, समापन करना चाहूंगी अपने शब्दों के साथ। अरविंद जी बहुत 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 धन्यवाद आपका, तमाम दर्शकों का। मैं अरविंद जी को तमाम दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप जो हमारा जो वंचित वर्ग है उसके छात्रों को ज्यादा से ज्यादा और हिस्सेदारी बढ़े, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके विदेश के यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए आप प्रयासरत हैं और ये आपके लिए आपका ये प्रयास बहुत बेहतरीन परिणाम को लेकर आएगा आने वाले दिनों में। उन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।